राजधानी भी बहुत तकलीफ हो रही है। बेड नंबर बताओ, यहाँ हर मरीज को तकलीफ होती है। मरीज को नहीं, मुझे तकलीफ हो रही है। ओ शम्सु, तुझे क्या तकलीफ है? मेरे ना दांत में बहुत दर्द हो रहा है, लगता है कीड़ा लग गया दांत में। तुझे देख के तो लगता है कि कीड़े को दांत लग गया। सिस्टर आशा, आपको पता है हमारे अस्पताल के ना केशर की जेब कट गई। उसकी तो जेब ही नहीं है। आए, क्यों जेब नहीं है? वो क्या पैंपर पहन के अस्पताल आता है? इसलिए कि कट गई है ना, आज मंजूर साहब की जेब कट गई। हाय, मंजूर साहब की जेब कटी है? आज तो हमारी तनख्वाह मिलने का दिन था। आए चलिए, हमारी तनख्वाह कोई अपनी जेब में लेके फिर रहे होते हैं? उनकी जेब में तो उनके पैसे होते हैं, वो तो तनख्वाह की बात कर रहा है। फिर तो अच्छा हुआ कि कट गई। वो क्यों? पता है वो जब भी मेरे सामने आते हैं ना, मुझे बार बार यही कहते हैं कि मैं शादीशुदा हूँ। तुम्हें बताते हैं या पूछते हैं? पता नहीं, लेकिन लहजा ऐसा होता है जैसे याद दिला रहे हो कि वो शादीशुदा है। क्यों बाबरा बीबी, आप उनको भूल गई हो? दिमाग तो ठीक है तुम्हारा, वो होते कौन है ऐसा सोचने वाले? हाय अल्लाह, तुमने मंजूर साहब को रिजेक्ट कर दिया? ये अफसोस था या खुशी थी? जाहिर है खुशी थी, वो तो है ही इस काबिल। लगता है दो बहने एक ही बंदे को पसंद करती हैं, लेकिन बता नहीं रही हैं। शम्सु, चल बे, चल चल निकल से, दफा हो यहाँ से, जा सफाई कर औकात में रह अपनी। मेरे दांत में दर्द हो रहा है, मैं क्या सफाई करूँ? चल दफा हो यहाँ से, हैं? बहुत ही मुंह को चढ़ गया। ओ बाबा जी, क्या देख रहे हो, क्या चाहिए? नर्स है? नहीं, मुझे तो बताओ के नर्सिंग काउंटर का। बाबा जी, मैं वार्ड बॉय हूँ, मुझे बताइए क्या खिदमत कर सकता हूँ? मुझे किसी नर्स से मिलवा दो। मुझे नर्स ही समझे बाबा जी? नहीं, मैं ये नहीं कर सकता। मेरा मतलब है आपको नर्सों से क्यों मिलना है बाबा जी? यार मेरे दिल में दर्द है, मैंने नर्सों को चेक करवाना है, मैंने एडमिट होना है। बाबा दिल इधर होता है और ईसीजी मुझे ही करना है, आओ मेरे साथ। अच्छा आओ, ईसीजी तुम करो। चलो बाबा। धकेला लो, मैं सड़क स्टार्ट हूँ। डॉक्टर सना, 11 बज रहे हैं इस वक्त। थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे बता दिया, मेरी घड़ी ना रात से ही खराब है। आपने 9 बजे हॉस्पिटल आना था। लेकिन सर, सिस्टर राष्ट्रा तो कह रही थी कि लेडीज को रिलैक्सेशन है। अरे उनका तो दिमाग खराब है, आपका भी दिमाग खराब कर रही है। सर दिमाग से याद आया, आपकी बेगम के दिमाग की गलत फहमी दूर हुई? मेरी बेगम के दिमाग के खलिये एक दूसरे से दूर हो सकते हैं, लेकिन गलत फहमी नहीं। सर मैं सुन हो गई थी, क्या करती, कोई ऑप्शन ही नहीं था। अरे ऑप्शन तो मेरे पास भी नहीं है। ओह माय गॉड, आई गॉट डन विद दैट। ये क्या कह रही हैं आप? सॉरी सर, जो दिल में था मैंने बोल दिया, माइंड मत कीजिएगा। मुझे लगा कि आपकी बेगम ने आपको खो दिया होगा, मैं तो आपसे हमदर्दी कर रही हूँ। आप इमरजेंसी जाएं, एंजाइना का पेशेंट आया हुआ है, उसकी ईसीजी करें। चलिए। ओके सर। क्या लिख गई है? आए इस मशीन से क्या होता है? बाबा जी, इससे आपकी सांसों की सेचुरेशन पता चलती है। ओहो, मेरे सीने में दर्द हो रहा है, इससे सांस का क्या चल लगा है? जैसे जैसे आप सांस लेंगे ना, ये लाइनें ऊपर नीचे होती रहेंगी। हाँ, मेरे सीने में दर्द है, ये लाइनें जो है ये सीधी नहीं आनी चाहिए, ये टिंगी मुड़िंगी आनी चाहिए। ओ बाबा, पेंसिल ले लेना, अपनी मर्जी की लाइनें बना लेना। अच्छा तो वो बात सुनो, मुझे एक ग्लास पानी मिलेगा? लेके आता हूँ। लाइनें सीधी नहीं होनी चाहिए, मुझे इस अस्पताल में दाखिल होने। अरे बाबा जी, अरे आर यू ओके? क्या हुआ है? ये सब आपकी वजह से हुआ है। क्यों, मैंने क्या किया है? मैं तो यहाँ डॉक्टर हूँ। तो फिर तुम बताओ ना मुझे क्या हुआ है। This is tachycardia. इस अंग्रेजी ने मुझे जीते जी मार दिया। बाबा जी, आपको एडमिट करना पड़ेगा फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन। ओ मैं सदके में वारी में कुर्बान, अल्लाह तुम्हें चांद सा बूढ़ा दे लड़की। जी
मेरा मतलब दूल्हा, तुम्हारी बहुत अच्छी जगह शादी हो। पता नहीं बाबा जी, अब्बा तो किसी फौजी से शादी कराना चाहते थे और मैं पॉलिटिशियन, अम्मा चाहती थी सिर्फ डॉक्टर से हो। अब देखिए क्या बनता है। क्या बना? बाबा जी को एडमिट करना पड़ेगा। देखो इनका दिल कितना तेजी से धड़क रहा है, सिर्फ टैकीकार्डिया। लेकिन अभी तो ठीक था ये। ये सब इनका कमाल है जी। आप ही ने तो अपनी महराना राय दी है कि मुझे दाखिल कर ले। थैंक यू खुरम, इन्हें बेड नंबर 6 अलॉट करो जल्दी से। ओ बाबा जी आप क्यों मुस्कुरा रहे हो? जन्नत में प्लॉट अलॉट नहीं हुआ? ओ तुझे क्या पता है, जन्नत मिले ना मिले, हूरे तो मिल रही है ना। तू यहाँ पलसट्टा मार के बैठी हुई है, जाके बेड नंबर 1 की ड्रिप बदल के आ, खत्म हो गई है। हे क्या स्ट्रॉ लगाकर पीता है, घंटे पहले तो बदली थी मैंने। है? तेज रखी थी, उसको डिहाइड्रेशन है, पानी की कमी। अरे पानी से याद आया, बेड नंबर 13 वाला मरीज नहीं, उसके पास कोई अटेंडेंट नहीं है। तो हम क्या करें? भाई ये तो उसके घर वालों का कसूर हुआ ना। ओहो उसे फंदा लगा हुआ है। हाय मैं मर गई, खुदकुशी कर ली उसने। हाय अल्लाह, उस बेचारे का तो ब्याह भी नहीं हुआ था अभी। अरे वो वाला फंदा नहीं, वो जो खाना खाते वक्त लग जाता है वो फंदा लगा है, और उसने कांपते हुए होठों से ना पानी मांगा था मुझसे। ओ, अब तक तो वो रेड़ियां रगड़ रगड़ के मर गया होगा। अब मैं उसे पानी देकर आती हूँ। जल्दी जाए जल्दी, हमारे पर इल्जाम आ जाए काम का में। सिस्टर राजदा, बेड नंबर 6 पे नया पेशेंट आया, बुढ़ा आदमी है, डॉक्टर सिन्हा ने कहा उसे ये दवाई दे देना। हाय हाय, डॉक्टर सिन्हा ने जिम्मेदारियां संभाल ली डॉक्टर नासर के लिए? क्या मतलब है, वो अपनी नौकरी निभा रही है। तो उसको बता तो दिया था ना कि वो शादीशुदा है। इसको देखो नीत सना दिया। पता है आज तुम्हारी अम्मा आई थी, मुझसे बहुत खुश थी, कह रही थी कि खुश नसीब होगा वो जिसके घर तुम ब्याह कर जाओगी। माशाल्लाह बड़ी प्यारी है। तुम्हें होश आ गया? मैं बेहोश कब हुआ था? बाबा जी आपने तो मुझे डरा ही दिया, आप कब आए? ये तो शुरुआत है पगली। मेरा मतलब है कि मुझे अभी शिफ्ट किया है बेड नंबर 6 पर। आपको क्या हुआ बाबा जी? मेरा मतलब है आपको क्या तकलीफ है? कोई एक तकलीफ हो तो बताओ। बीवी मेरी 10 साल पहले चली गई, बेटे बहुएं कोई पूछने वाला नहीं, कोई मेरे दिल पे हाथ रखने वाला नहीं, मैं बहुत अकेला हो गया हूँ। मेरा भी यही हाल है बाबा जी, मैं भी बहुत अकेली हूँ और ये यहाँ बेहोश पड़ा है। तो फिर क्या मैं कोई उम्मीद रख सकता हूँ? क्या मतलब है बाबा जी? मैं आपके किसी काम आ सकूँ? आप तो बस सिर्फ मेरे सर पर हाथ रख कर दुआ करो। अच्छा मेरी ड्यूटी का वक्त है, मैं जा रही हूँ। या अल्लाह, ये वैसे मोम होने में ज्यादा देर नहीं लगाएगी। सर पे हाथ रखो, दुआ करो। सर मुझे एंजाइना का अटैक लग रहा है। तो आप जबान के नीचे एंजेसेट रख दें। सर मुझे नहीं, बाबा का बता रही हूँ। आपके बाबा? तो लाइए ना, एडमिट करें इस हॉस्पिटल में। सर मैं अपने बाबा का नहीं, उस बुढ़े बाबा का बता रही हूँ जिसका ECG चेक करने के लिए आपने मुझे भेजा था। ओहो बाबा जी, उनको तो आप हॉस्पिटल में एडमिट करें। देखिए डॉक्टर सिन्हा, आज की सारी जिम्मेदारी आप पर है, क्योंकि मुझे जाना शॉपिंग पे राबिया के साथ, और डिनर भी। ओह इसका मतलब है पैचअप हो गया। अरे हमारा ब्रेकअप कब हुआ था जो पैचअप होगा? मैं समझी थी कि इस दफा सेपरेशन तो हो ही जाएगा। देखिए डॉक्टर सिन्हा, आप सिर्फ अपने काम पे तवज्जो दे, और मैंने बड़ी मुश्किल से राबिया को राजी किया है कि आप इस हॉस्पिटल में काम करें। तो वो मेरे लिए कहीं और जॉब ढूंढ रही थी। ओहो आपको टर्मिनेट करने का कह रही थी। खैर मैं जा रहा हूँ, बी विजिलेंट। टर्मिनेटर कहीं की, अल्लाह करे आज डिनर से पहले डिवोर्स हो जाए। अभी जा अभी जा, देख आकर जरा मुझ पे गुजरी है क्या तेरे प्यार में। अभी हाय, उनके आने से जुआ जाती है मुंह पे रौनक। मेरा नाम रौनक नहीं है बाबा जी, राजदा है राजदा, और पूरे अस्पताल के मरीज ना मेरे नाम से थर थर कांपते हैं। मुझे भी साइबेरिया की किसी ऐसी ठंडी हवा का इंतजार था। ये अस्पताल के पीछे मुर्दा खाना है, वहाँ बहुत ठंडी हवा आती है। जाओ, मैं नहीं बोलता,
मिलने के लिए कोई इससे अच्छी जगह नहीं मिली। हाय, कुछ खुदा का खौफ कर लो बाबा जी, कब्र में पैर लटका के बैठे हो। मेरा मुंह तो बाहर है ना। मैं शादी शुदा हूँ बाबा जी, और मेरे दो बच्चे भी हैं। यकीन करो मुझे बुरा नहीं लगा, मैं कौन सा जवान हूँ। मैं क्या बोले जा रही हूँ और आप क्या सुन रहे हैं बाबा जी, क्या बोल रहे हो आप? यहीं आके बोला हूँ, घर पे तो बहू और बेटे बेटियाँ बोलने नहीं देते। हाँ तो बस इस अस्पताल में भी यही समझो ना कि आपकी बहू और बेटे फिर रहे हैं। चलो जबान दिखाओ। जबान छोड़ो, दिल देखो ना। फिर वही गल, हद हो गई बाबा जी। मुझे हार्ट अटैक का मसला है, जबान में क्या देखना है। हम नर्सें हैं, हमें आदत होती है। तो फिर हाथ पकड़ लो। हाय फटेमो, पीछे करो, हाथ क्यों पकड़ूं मैं? नबज नहीं देखनी आपकी। नबज जो है ना वो डॉक्टर नासर ही देखेंगे, मेरे बस के नहीं हो तुम। हाँ मुझे तो ये नर्स से ज्यादा वार्ड बॉय लगती है। शक्ल से ही असलम डोगर लगती है। बाबरा, आज हॉस्पिटल में मैं इंचार्ज हूँ। क्यों, डॉक्टर नासर ने इस्तीफा दे दिया? ओहो, उन्हें कहीं जाना था, मुझे इंचार्ज बनाया है। हॉस्पिटल में कितने पेशेंट्स हैं? 3 औरतें, 1 बुढ़ा और 4 नौजवान हैं, जिसमें से 3 तो बिल्कुल ही बेकार है। बाबरा, मरीज अस्पताल में बेकार होने नहीं ठीक होने आता है। ओहो, मेरा मतलब है कि उनको फ्रैक्चर हुए में वो चल फिर नहीं सकते। हाय अल्लाह, तौबा, किस कदर ठरकी बुड्ढा एडमिट कर लिया हमने। किस बुड्ढे की बात कर रही हो सिस्टर राशिदा? वही बेड नंबर 6 वाला मरीज। मैं थोड़ी देर और रहती ना वहाँ पे, वो मुझे ब्याह की पेशकश कर देता हबीस। हाँ डॉक्टर साहबा, वो मुझे भी बहुत अजीब नजरों से देख रहा था। वो तुम लोगों को जैसे भी देखे, तुम लोगों का काम है अपनी ड्यूटी करना। मुझे किसी मरीज से कोई शिकायत नहीं मिलनी चाहिए, डॉक्टर नासिर खास तौर पर बोल कर गए हैं। इधर देख, तेरा क्यों मुंह लटका हुआ है? डॉक्टर नासिर इससे पहले हर बात मुझसे कहकर जाते थे। मैं मर गया, सुबह से कोई आया ही नहीं, अजीब बोरियत हो रही है मुझे। हाँ मैं फोन कर लेता हूँ, अपने एक दोस्त को फोन करता हूँ। हाँ अस्सलाम वालेकुम नईम, आप मेरे जिगर गोसाए जान, मेरे बचपन के यार, कैसा है तू? हैं, अस्पताल में हूँ। नहीं 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 नहीं, हुआ मुझे कुछ नहीं, मुझे बीमारी तुम्हारी कोई नहीं है। आ यार, उसी को तो छोड़ के आया हूँ। और नहीं नहीं, बीवी को घर पर ही छोड़ के आया हूँ, पागल है तू? उसको तो मैंने बताया भी नहीं, उसको बताता तो मुझे दाखिल भी ना होने देती। हाँ वो पता है, मसला यह है कि हर 4-5 महीने के बाद ना मैं किसी न किसी अस्पताल में चला जाता हूँ, झूठा दिल का दौरा डाल के ना मैं वहाँ पर दाखिल हो जाता हूँ। जहाँ पर आता हूँ मेरी तबीयत खुश हो जाती है, मैं इधर हुसैन देखता हूँ, मलकाएँ देखता हूँ, और मैं आधा पचाता ठीक हो जाता हूँ। मैं तो दोबारा फोन करता हूँ। आप कहाँ रहती हैं? अपने घर में। नहीं, मैं आपका इंतजार कर रहा था ना। मेरे फूफा भी आप ही की उम्र के, और उन्हें भी अरसा तवील से इंतजार है। आपका? नहीं, मलकुल मौत का, उन्हें भी कैंसर है ना, और बस वो जिंदगी से मायूस हो चुके हैं। हाँ? 506। वाह शमशु, आज तो सबूत के साथ पकड़ा गया। गुनन साहब, रहम करें, मेरा कसूर नहीं है। कसूर नहीं है? चुरा के खाना खा रहा है और कह रहा है मेरा कसूर नहीं है। वो दरअसल ना मेरे दांत में ना कीड़ा लगा हुआ है, इसने ना मुझे जुर्म पर अकसाया है। बकवास मत कर, अब ये सबूत डॉक्टर नासिर के सामने पेश होंगे। ऐसा ना करें खुर्रम साहब, डॉक्टर नासिर सबूत का क्या करेंगे, वो तो मरीजों का खाना नहीं खाते। तुम क्या कर रहे हो? वो मेरा खाना था भाई। ओए बकवास बंद करो, मेरा खाना था। ऐसा हालत में तुम्हें जीने का हक नहीं है, तुमने खाने का सोचा भी कैसे है? अरे क्या हुआ तुझे,
उसी बाबे के पास से आ रही है ना। निहायत ही ठरकी बुड्ढा है वो, पता है कहता है कि मेरी आंख में कुछ पड़ गया, मेरे मुंह पर फूके मारो। हाँ, तुझे देख के इतना जज्बाती हो गया। और पता है उसने मेरा हाथ जोर से पकड़ लिया और कहता है देखो अब भी मुझ में कितना दम है। छंड परे, कुछ ही दम का मेहमान है, बर्दाश्त कर लेना उसको। अब क्या बर्दाश्त कर रही है? हाय खुर्रम, मैं तुझे क्या बताऊं, बेड नंबर 6 वाला जो बाबा ना, उसने इसका हाथ पकड़ लिया था। शुक्र करो बाबरा, किसी ने तो हाथ पकड़ा तुम्हारा। बकवास मत करो खुर्रम, वो निहायत ही ठरकी बाबा है। और पता है जो डॉक्टर सना ने कहा था कि उस मरीज को ना सिर्फ नर्सिंग ही अटेंड करेंगी। खुर्रम हमें बचा लो, खुदा के लिए हमें बचा लो, अगर उसने हमारी शिकायत कर दी ना तो बहुत बुरा हो जाएगा, है ना? खुर्रम साहब, खुदा के लिए मुझे बचा लो, मेरी शिकायत ना करना। समझो एक शर्त पे तुम बच सकते हो। मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है। पक्का? पक्का। आज तो कोई सुबह से बुखार ही नहीं चेक करने आया, नर्सें पता नहीं कहाँ चली गई हैं। मैं और इंतजार करूँ या फिर खुद काउंटर पे जाऊँ? हाय हाय, आप कौन है? जी मैं नर्स हूँ, मैं आज ही भर्ती हुई हूँ, ऐसे मैं आपका ध्यान रखूंगी जी। सोच लो, मेरा बहुत ध्यान रखना पड़ता है। क्यों, आप मिट्टी खा लेते हैं? अरे भाई मैं दिल का मरीज हूँ, मुझे 24 घंटे की ड्यूटी चाहिए। कैसी ड्यूटी जी, मुझे तो बस बुखार चेक करना था, गोली देना था बस। यही तो बात है, तुमने मुझे गोली नहीं देनी। इधर आओ, मेरे करीब आओ, मेरी बात सुनो। जी, मैं अगर आपकी करीब आ गई तो आप मुझे सूंघ लोगे जी? तो कोई बात नहीं, गुलाब की खुशबू अगर कोई सूंघ ले तो खुशबू कोई कम थोड़ी हो जाती गुलाब में। जी मैं गुलाब की नहीं, मैं तो खतरे के बू की बात कर रही हूँ। मगर तुम्हारे पास से तो फिनाइल की बू आ रही है। वो जी कार में ना शैम्पू खत्म हो गया था, इसलिए मैंने फिनाइल से सर धो लिया है। मगर कोई बात नहीं, जो कुछ भी हो तो मुझे फिर भी अच्छी लगी हो। मैं इतनी खूबसूरत तो नहीं हूँ। तो क्या हुआ, मुझे वैसे भी कबूल सूरत औरतें अच्छी लगती है, क्योंकि उनके जैसे नखरे नुखरे नहीं होते ना। आपने कौन सा मुझसे शादी करनी है? मैं उन खतूत पर भी सोच सकता हूँ। मैंने तो आपको कोई खतूत नहीं लिखे जी। डॉक्टर सना, ये मेरी टेबल पे क्या हो रही है? सर ये योगा है, योगा के 120 आसन होते हैं और ये तीसरा आसन है। ओहो, पर हो क्या रहा है ये? सर फिटनेस मेरा गोल है, अगर मैं अपना ख्याल नहीं रखूंगी तो गोल हो जाऊंगी। ये क्यों कर रही है वैसे आप? इसलिए कि यहाँ तन्हाई और खामोशी है, वरना अस्पताल में कौन करता है? यही तो मैं कह रहा हूँ कि हॉस्पिटल में कौन योगा करता है, ये मेरा कमरा है। तो सर मैं कहाँ करूँ, कॉरिडोर में तो करने से रही, मरीज क्या कहेंगे, वहाँ तो मैं ड्रिप लगाती हूँ। डॉक्टर सना, आप ये काम अपने घर में करें। सर मैं ड्रिप अपने घर में नहीं लगा सकती, वहाँ कोई बीमार नहीं है। ओहो, आप जाएं यहाँ से। सर इतनी जल्दी क्यों आ गए आप, अभी तो मेरे 2 आसन रहते थे। गेट आउट फ्रॉम माय रूम, अभी आके राउंड लगा के देखता हूँ मैं हॉस्पिटल का क्या हाल किया हुआ आप लोगों ने। क्या नजर आया आपको मेरे हाथ में? मैंने तो हाथ के अंदर भी घुस के देखा है, मगर नहीं, मुझे सिर्फ ये महसूस हुआ है कि तुमने सदियों से अपना हाथ धोया ही नहीं। मुझे ना पैसा चाहिए, बताए पैसा कब मिलेगा मुझे? मुझे अफसोस के साथ ये ऐलान करना पड़ रहा है कि आपके हाथ में दौलत की लकीर है ही नहीं। तो फिर खाना ही खिला दे। आपको भूख बड़ी लगती है, अभी सुबह तो मैंने आपको बर्गर खिलाया। ये सदियों की भूख है, 1-2 दिन में नहीं मिटेगी। तो बड़ी जुमानी बातें करती हूँ। लेकिन आप गलत क्यों सोच रहे हैं, आप एक शादीशुदा आदमी हैं। शादीशुदा ही तो ऐसी बातें सोचते हैं। अच्छा मैं ना अब जाती हूँ, टाइम पूरा हो गया। मगर मेरा टाइम तो अब शुरू हुआ है। देखिए ये सब कुछ तो मैं अपनी इज्जत बचाने के लिए कर रही हूँ। फिक्र ना करो, मैं औरतों की बहुत इज्जत करता हूँ, मैं बड़ा बेशर्म इंसान हूँ, मेरे से आपकी इज्जत को कोई खतरा नहीं है। नहीं नहीं मैं वो नहीं कह रही, आप नहीं समझेंगे। आए, अगर आप मुझे प्यार से समझाएंगी ना तो मैं सारी बातें समझ जाऊंगा। जी लगता है कि बाबा जी का ना शमसू से दिल लग गया है। शमसू ने शमसी, रात को बाबा जी शमसी तवानाई से जल उठेंगे। डॉक्टर नासिर आ गए, राउंड पे निकल पड़े। क्या कह रहे हो खुर्रम, शमसू तो बाबा जी के पास है। अब कमरे में या उसकी बाहों में, उसकी किस्मत वक्त नहीं है। अरे
आप लोग सब यहाँ क्यों जमा है? सर वो शमसू, बाबा जी। अरे क्या बोल रही हैं? कहाँ है शमसू? सर इनके कहने का मतलब है कि शमसू बाबा के कमरे में सफाई कर रहा है। इस वक्त सफाई कर रहा है? तो सारा दिन क्या करता रहा? अभी उसकी खबर लेता हूँ। आइए डॉक्टर सरा, कुछ तो बोलिए। ये आपने क्या कर दिया? क्या होगा, हमारी किसी की भी खैर नहीं है। अच्छा मुझे ये बताओ कि डॉक्टर नासर शमसू को पहचान लेंगे इस रिले में? आओ चलो देखते। चलो आओ, चल चल चल। मेरा दिल करता है मैं इस लम्हे को कैद कर लूं। इस वक्त तो आपने ना मुझे कैद किया हुआ है। ये क्या हो रहा है? डॉक्टर नासर आप आ गए? ओ शमसा, तुम तो आवाज भी बदल लेती हो। अरे शमसा नहीं है, शमसू है, हमारे हॉस्पिटल का जमादार। जमादार? बाबा जी आर यू ओके? नहीं मुझे लगता है मुझे सचमुच दिल का दौरा पड़ गया।